यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी 2022 से शुरू खूनी संघर्ष का गुरुवार यानी 3 मार्च 2022 को आज 8वां दिन बीत चुका। रूसी फौज यूक्रेनी सेना के रणबांकुरों के सीनों और यूक्रेन की कल तक खुशहाल रही आबादी के ऊपर दिन रात आसमानी मौत बरसा रही है। जिस ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो की सेना को सुपर पावर समझा जाता था, उनकी तोपों की नाले नीची और सीला हुआ सा गोला बारूद ना मालूम कहां बंद पड़ा जंग खा रहा है। अनुभवी और मजबूत रूस के सामने जब से कमजोर और नौसुखिया यूक्रेन सीना तान कर जूझता नजर आया है, तभी से इन तमाम सुपर पावर्स के हुक्मरानों के बदन बिना गर्दन के से नजर आने लगे हैं। मतलब सबके सब खामोश हैं। आखिर क्या है इस सबके अंदर की कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप इस वक्त सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज जिक्र करते हैं कि आखिर मामूली से यूक्रेन को रूस के सामने लाकर अड़ाने में असली भूमिका किसकी रही है। नाटो, ब्रिटेन और अमेरिका की खामोशी अब इन सबको ही शक के दायरे में लाकर खड़ा करने के लिए काफी है। रूस किसी पावरफुल सेना के सामने महाभारत के चक्रव्यूह में यूक्रेन से अभिमन्यु को ले जाकर खड़ा कर देने में अब साफ साफ नाटो, ब्रिटेन, यूरोपियन देशों और अमेरिका का हाथ नजर आने लगा है। 8 दिन से रूस की सेना को अपनी राजधानी कीव में न घुसने देने वाली यूक्रेनी सेना का लोहा जमाना मान रहा है, या अगर यूं कहें कि रूसी सेना जंगे मैदान में हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही है तो भी गलत नहीं होगा। जिस तरह से नाटो देश और उनकी सेनाएं अमेरिका, ब्रिटेन युद्ध के मैदान में यूक्रेन को धक्का देकर खुद अपनी अपनी सरहदों के चूल्हों के सामने खामोश बैठे रूसी मिसाइलों की आग में हाथ सेक रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि सुपर पावर रूस के दूर विरोधी अमेरिका और ब्रिटेन सहित नाटो व यूरोपियन देशों का समूह अपनी खतरनाक रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। आज कई गुना शक्तिशाली रूस के सामने बेहद कमजोर यूक्रेन की सेना 8 दिन से जूझ रही है, मगर नाटो, ब्रिटेन, अमेरिकी हुक्मरान अपनी अपनी छतों पे बेसिर पैर की भाषणबाजी कर राग अलापने से ज्यादा यूक्रेन के लिए सीधे सीधे कोई मदद नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ मदद इन सबके द्वारा पहुंचाई भी जा रही होगी तो वह दबी छिपी या फिर मौजूदा विपरीत हालातों के सामने यूक्रेन के लिए ऊंट के मुंह में जीरे सी साबित हो रही है। मतलब जिस नाटो ने ब्रिटेन, अमेरिका के कहने पर बुने जाल में यूक्रेन को बुरी तरह से उलझा दिया है, अब उसके इस जाल में न केवल यूक्रेन अकेला उलझा है, वरन रूस सी दुनिया की सुपर पावर भी इस जाल में खुद ब खुद ही बुरी तरह से उलझ चुकी है। इसमें भी अब शक की कहीं कोई गुंजाइश बाकी नजर नहीं आती है। अब आइए बात करते हैं भारत के धुर विरोधी पड़ोसी कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की, जिसके जिंदा रहने और जिंदगी का मकसद ही हिंदुस्तान की खिलाफत करना है। वो पाकिस्तान भी बुधवार यानी 2 मार्च सन 2022 से भारत की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करने के जुगत में जुटा है। ये वही पाकिस्तान है जो हर वक्त भारत की जमीन की ओर ललचाई नजरों से देखता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे आज रूस यूक्रेन की जमीन की ओर झांक रहा है। हिंदुस्तान से ही सौदे और भीख में बने पाकिस्तान ने अब तक 4 बार जंग लड़ी, इस लालच में कि उसे छोटा सा हिंदुस्तान की पाक दामन जमीन का अगर टुकड़ा भी हासिल हो जाएगा तो शायद वो तर जाए, मगर उसकी ये बेजा हसरत आज भी पाकिस्तान के सीने में ही दफन है। दया की रोटियों पर पलने वाले पाकिस्तान को जैसे ही लगा कि अमेरिका अब उसका चूल्हा ज्यादा दिन नहीं जलवा पाएगा, वैसे ही मौका परस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ने से एंड पहले रूस की गोद के झूले में झूलने को जा पहुंचे। हालांकि रूस ने उन्हें बदले में किसी बालक का टूटा हुआ झुंझुना तक नहीं दिया। यही वजह है कि जब से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान रूस से खाली हाथ वापस लौटे हैं, उनका अपने ही देश में विरोध शुरू हो गया है। ऐसे पाकिस्तान ने बुधवार यानी 2 मार्च सन 2022 को दुनिया के सबसे विशाल भारत से लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की पूंछ पकड़ने में ही अपनी सलामती समझी। जैसे ही भारत ने 2 मार्च 2022 को यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले की निंदा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में प्रस्तावित मतदान में हिस्सा नहीं लिया, तो पाकिस्तान भी भारत की पूंछ पकड़कर पीछे पीछे घिसटता हुआ अपनी नैया पार लगाने की गफलत में ही सही वैसा ही करने लगा जैसा भारत ने किया। यानी भारत के अनुपस्थित रहते ही पाकिस्तान भी UNGA की मतदान सभा से गायब हो गया।
टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त पॉडकास्ट में मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को सुन रहे श्रोताओं को बताना जरूरी है कि मास्को और कीव के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक सप्ताह से भी कम समय में संयुक्त राष्ट्र में लाए गए तीसरे प्रस्ताव में भारत ने हिस्सा नहीं लिया है। वहीं 193 सदस्यीय महासभा ने बुधवार को यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करने के लिए मतदान किया। मतदान में यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा की गई। प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े, जबकि 35 सदस्यों ने मतदान में गैरहाजिरी दर्ज कराई, जबकि 5 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। इन 5 में एक खुद रूस भी है। जिन देशों ने खुद की अनुपस्थिति दर्ज कराई उनमें भारत, पाकिस्तान के साथ साथ चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका का नाम भी शामिल है। मतदान के दौरान यूक्रेन के खिलाफ बल्कि इस गैर कानूनी उपयोग में बेलारूस की भागीदारी की भी खुलकर निंदा की गई। मतलब साफ है कि मौका परस्त पाकिस्तान कब किसके पांवों में कहां लौट जाए इसे समझना टेढ़ी खीर है। मगर जो मतलब परस्त पाकिस्तान को समझ गया, समझिए वही जीत भी गया। इसी के साथ पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम और किस्सों के लिए सुनने के लिए टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मन की बात हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही किसी और किस्से कहानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।